जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से जुड़े इस संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई आज। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन लगातार सुनवाई की, मैराथन सुनवाई, और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के आखिरी दिन मुख्य याचिकाकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक हलफनामा दाखिल किया। विरोधी पक्ष की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो हलफनामा दाखिल करें कि वो देश की संप्रभुता पर भरोसा करते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। लेकिन लोन ने जो हलफनामा आज दाखिल किया उस पर सॉलिसिटर जनरल ने एतराज जताया। आशीष भागवत की रिपोर्ट। 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक ऐतिहासिक सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई है। ये हम सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं, जिस तरीके से बहस की गई है, हमारी जो भी हमने ग्राउंड्स लिए थे अपने पिटिशन में, जो भी हमने कहा था 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ, वो सारा बड़ी अच्छी तरीके से हमारी जो हमारा मौकफ था वो पेश किया गया। वो बड़ी जो समाप्त हुई बहुत अच्छी हुई। हम मुतमईन हैं, हर एक पहलू को, हर एक गोशे को, हर एक पर्स्पेक्ट को बिल्कुल उस पर रोशनी डाली गई और उसको कन्विंसिंगली आर्ग्यू किया गया। इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दाखिल करना पड़ा। दूसरे पक्ष ने दलील दी थी कि मोहम्मद अकबर लोन पूर्व में पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दाखिल हलफनामे में लोन ने कहा कि वो भारत के एक जिम्मेदार और कर्तव्यपरायण यानी ड्यूटीफुल नागरिक हैं। वो जनहित याचिका के तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेते समय ली गई भारत के संविधानों के प्रावधानों को संरक्षित रखने और राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की शपथ को दोहराते हैं। लेकिन केंद्र की ओर से इस हलफनामे पर आपत्ति जताई गई। adding insult to injury to the nation. Your lordships may read what is not written. Your lordships may read what is not written. 5 जजों की संविधान पीठ में याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल समेत 18 वकीलों ने दलीलें रखी, जबकि केंद्र और दूसरे पक्ष की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अलावा हरीश सालवे जैसे दिग्गज वकीलों ने भी बहस की। 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद आखिरकार कानूनी घमासान अब खत्म हो चुका है और इंतजार सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले का है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये तय हो जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर वो राज्य तो बनेगा लेकिन बिना विशेष दर्जे के। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।